न्यूज चैनल वीके न्यूज। क्या पाकिस्तान पर भारत एक और सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा ही कह रहा है। दरअसल जब से जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी हमला हुआ है, तब से पाकिस्तान बहुत ही सहमा हुआ है। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है, नींद उड़ी हुई है। दिन रात उसको इस बात का डर सता रहा है कि कहीं भारत एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक ना कर दे। इस बात की जानकारी भारत में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर रह चुके अब्दुल बासित ने दी है। उन्होंने कहा है कि भारत जल्द ही एक और सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दे सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब्दुल बासित का कहना है, 20 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारतीय सैनिकों पर हमला हुआ था। इसके बाद से पूरे पाकिस्तान में यही चर्चा हो रही है कि भारत फिर से सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दे सकता है। बासित ने आगे कहा, पाकिस्तान में लोग भारत की ओर से एक और सर्जिकल स्ट्राइक या फिर एयर स्ट्राइक की चर्चा कर रहे हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा फिर से करेंगे, क्योंकि भारत इस साल SCO की बैठक और G20 की अध्यक्षता कर रहा है। जब तक वो SCO का अध्यक्ष है, तब तक भारत कोई दुस्साहस नहीं करेगा। लेकिन अगले साल चुनाव के दौरान भारत फिर से ऐसा कर सकता है। ये भारत में चुनाव से ठीक पहले हो सकता है। उसके बाद बासित पुंछ में हुए आतंकी हमले को सही भी ठहराने लगते हैं और कहते हैं, ये चाहे जिसने भी किया हो, वो चाहे मुजाहिदीन हो या फिर कोई और, उन्होंने सेना को निशाना बनाया है, ना कि नागरिकों को। वो एक वैध संघर्ष में लगे हुए हैं। अगर आप एक आंदोलन कर रहे हैं तो आप सेना को निशाना बना रहे हैं, लेकिन नागरिकों को नहीं। अंतर्राष्ट्रीय कानून भी इसकी अनुमति देता है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि भारत जानता है कि हम कहां खड़े हैं। अब्दुल बासित का ये वीडियो जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी हमले के कुछ दिन बाद सामने आया। दरअसल 20 अप्रैल को राजौरी सेक्टर में भीमबेर गली और पुंछ से गुजरने वाले सेना के एक वाहन पर अज्ञात आतंकवादियों ने ग्रेनेड से हमला कर दिया था। इस हमले में 5 सैनिक शहीद हो गए थे। सेना ने इस घटना को लेकर जारी बयान में बताया था कि शहीद जवान राष्ट्रीय राइफल्स के थे। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।